हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज काइट फाइटिंग करने वाले हैं एक ऐसे स्पेशल मांझे से जो आपने दोस्तों स्टार्टिंग में ही देखा था, ठीक है ना। तो आज फिर से इसको टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इस वाले मांझे का रिजल्ट। तो दोस्तों मांझा कौन सा होने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है भाई डरबेंजर कंपनी का पैराडाइज जो कि 0.28 mm में आता है, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त मांझा है दोस्तों, और ये अभी तक मेरे पे इतना ही खत्म हुआ है क्योंकि ये आसानी से कटता नहीं है। इस वाले मांझे को अगर आप खींच में यूज़ कर रहे हो तो कम से कम 200-300 मीटर मांझा बदा करके उसमें पीछे सद्दी बांध लो, तब इसका यूज़ करो, तब देखना दोस्तों कितना मज़ा आपको आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इसको फिर से टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं हमेशा से अपनी वीडियो में एक बात कहता हूँ, अगर आप कोई अच्छा और महंगा मांझा यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको पतंग भी टूर्नामेंट वाली उड़ानी चाहिए, ठीक है ना। ये टूर्नामेंट वाली पतंग है, बहुत ही ज़बरदस्त पतंग है दोस्तों, ठीक है। अगर आप कोई पतंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो भाई आज सामने की यहाँ की हवा है, काफ़ी पतंगे नीचे की साइड उड़ रही है, ऊपर भी एक दो पतंगे उड़ रही है। तो चलिए पतंग को करते हैं पार और आपको दिखाते हैं पैंचे जबरदस्त वाले, ऊपर के नीचे के सब तरीके से दिखाएंगे, खींच वींच सब दिखाएंगे, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये 0.28 mm में पैराडाइज का मांझा है, स्मॉल मांझा, ठीक है ना, स्मॉल आता है ये, 3000 मीटर इसके अंदर डोर आती है। तो अभी हम अपनी पतंग को पार कर चुके हैं दोस्तों। अभी यार मैंने आपको बताया था इसके रिव्यू पे कि ये थोड़ा मांझा स्ट्रेचेबल होता है, तो दोस्तों खींच में भी बहुत अच्छा काम करेगा ये मांझा, नो डाउट। ये देखिए दोस्तों, खींच देखिए, खींच कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैं मार रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ पतंग को खींच करके कि हाँ ये मांझा अगर मैं खींच में यूज़ करता हूँ तो ये काम करेगा या नहीं। तो भाई मुझे तो डेफिनेटली अभी भी लग रहा है कि ये काम करने वाला है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खींच लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए दोस्तों अब देरी किस बात की है, पैंच आपको दिखाते हैं और देखते हैं दोस्तों कितनी पतंगे काटता है, कितनी पतंगे नहीं काटता। दोस्तों पहला पैच हमारा आता हुआ, तो भाई ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी रही और ब्लू सर्कल में अपोनेंट की रही। तो दोस्तों मैं पैच जो लड़ाने वाला हूँ वो लड़ाने वाला हूँ मैं ऊपर का, ठीक है ना। दोस्तों ऊपर का पैच आप जब भी लड़ाएं, बहुत ही जानदार पैच लड़ रहा है ऊपर से। तो दोस्तों अपोनेंट नीचे की तरफ चला गया है, ये देखिए, और मेरा पैच ऊपर की तरफ आ गया है। समझने की कोशिश कर रहे हो, अपोनेंट ने अपनी पतंग को बिल्कुल सीधी खड़ी कर दी है और मेरी पतंग में कंटिन्यू चक्कर लग रही है। अगर वो अपनी पतंग यहाँ पे घुमा दे ऊपर वाला तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त फाइट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों, शायद थपकी मारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसको नहीं पता भाई ये मांझा थपकी से भी नहीं कटेगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेड है। और ये देखिए दोस्तों सामने वाले बंदे की वो मारा लगा तो ऐसा। तो दोस्तों ये देख सकते हो भाई इस वाले मांझे की टक्कर कितनी ज़बरदस्त है भाई, वाकई में यार दिल खुश कर दिया पहले ही मैच में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट मैच की ओर। दोस्तों जो ये ब्लू सर्कल में पतंग है ये अपोनेंट की है, और ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ठीक है ना। तो अपोनेंट जो है वो है नीचे से और मैं हूँ वही ऊपर से, ऊपर का पैच मैं बनाने जा रहा हूँ। ऊपर से पैच मैंने डाल दिया अपोनेंट के ऊपर, जस्ट डोर डाल दिया भाई, बस चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं बहुत तेजी से। और भाई सामने का नजारा आप देख सकते हो दोस्तों, वो हमारा लगाती। तो भाई दोस्तों हमने सेकंड पैच काट दिया भाई, मांझा भी अल्टीमेट काम कर रहा है यार। दोस्तों आपको कुछ समझ में आया इस पैच में मैंने क्या किया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, मैं ऊपर से हूँ, अपोनेंट की पतंग जो है वो ब्लू सर्कल में है। मेरा पैच जो था वो ऊपर से था दोस्तों, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ऊपर के पैच का। जैसे ही मैंने ऊपर का पैच बनाया, अपोनेंट ने क्या गलती करी, अपोनेंट ने बिल्कुल अपनी पतंग सीधी खड़ी कर दी, उसने ना ही चक्कर दिए ना ही कुछ करा। और दोस्तों मुझे फ़ायदा मिला इस चीज़ का, और ऐसे ही मैंने अपनी चक्कर पे चक्कर पतंग में बहुत बढ़िया तरीके से घुमाई, और ये देखे दोस्तों अपोनेंट की पतंग कटती हुई। दोस्तों ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की है। भाई मैं हूँ राइट साइड से, अपोनेंट है लेफ्ट साइड से। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों नीचे से बिल्कुल तेजी से, और ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैं उसके नीचे से गया और लेफ्ट साइड में बिल्कुल सीधी एकदम खींच डाली है, लेकिन भाई पतंग नहीं कटी है, मेरी पतंग कट गई भाई। ओ माई गॉड, ये क्या हुआ भाई? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, पतंग तो कटती रहती है। मेरे पे खींच अच्छी नहीं लगी मैं मानता हूँ, कोई नहीं दूसरी पतंग उड़ाऊँगा तो आपको मैं दिखाऊँगा अच्छे से। गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है दोस्तों, नीचे से गया था खींच मारने के लिए, लेफ़्ट साइड में जाना था बिल्कुल तेज़ी से और राइट साइड की तरफ खींचना था, लेकिन मैंने सीधा खींच दिया भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी पतंग उड़ाते हैं। अच्छा दोस्तों मैंने अभी सारे की साइड और समेट ली है, बहुत से भाई ऐसी गलती मतलब ऐसा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं पतंग कट जाती है तो भाई उन मुँह से तोड़ देते हैं वहीं से वहीं। तो भाई ऐसा मत किया करो, अपनी डोर समेट लिया करो।
moments later. दोस्तों ये रेड सर्कल वाली पतंग आपको मेरी नजर आ रही होगी और ब्लू सर्कल में है वो अपोनेंट की पतंग है। तो दोस्तों ये वाला जो पैंच बनने वाला है ये मैं नीचे से पैंच बनाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने नीचे से पैंच बनाया तो मैंने एक पल भर भी नहीं सोचा कि मैं अपनी पतंग को या सीधी खड़ी करूँ या क्या करूँ। तुरंत पतंग घुमाई, मतलब चक्कर दिए, और अपोनेंट ने भी कोई गलती नहीं करी, अपोनेंट ने भी चक्कर देने स्टार्ट कर दिए। अगर भाई मान के चलिए आपका अपोनेंट भी यही ट्रिक यूज़ करता है, चक्कर पे चक्कर, आप भी चक्कर पे चक्कर दे रहे हो, तो ये समझिए कि आपका अपोनेंट बहुत ही तकड़ा होने वाला है। समझ में आ रही है ना बात? अभी देखिए दोस्तों, मेरी वाली जो पतंग है वो लेफ़्ट साइड में ऊपर की साइड में, और उसकी पतंग जो है वो नीचे की साइड में राउंड अप जो घूम रही है। तो भाई दोनों पैंच बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, और ढील का पैंच ये हो चुका है। कम से कम दोस्तों ये पतंग जो जा रही है हमारी, ये कम से कम 400 450 मीटर की रेंज में जा रही है। अभी फ़िलहाल की बात मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? देखते हैं दोस्तों किसकी कटती है, किसकी बचती है। अच्छा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सभी प्लास्टिक मांझों से उड़ाते हैं, ठीक है ना? तो अब आप ये देखिएगा, अब तक मैंने जितने पैंच काटे सारे प्लास्टिक वाले मांझे ही काटे हैं। तो भाई कोई भी प्लास्टिक वाला मांझा इनके सामने कुछ नहीं है। अगर जिसको आजमाना है कि हाँ भाई हम भी कुछ दमखम रखते हैं प्लास्टिक मांझे में, तो भाई आ जाओ एक बार आजमा के देख लो, औकात पता चल जाएगी तुम्हारी क्या है औकात। यह बात सही गलत है तो बताइए मुझे कमेंट में। तो दोस्तों चलिए पैंच की तरफ। पैंच काफ़ी लंबा चला गया ढील का, 600 मीटर के आसपास ये पैंच आ चुका है हमारा। पतंग मेरी आपको दिख रही होगी ऊपर की साइड में है, जो लेफ़्ट साइड की तरफ आ चुकी है। उसकी पतंग जो है नीचे की तरफ है, और भाई बहुत ही ज़बरदस्त पैंच हुआ है यार, ये अब तक का सबसे ज़बरदस्त पैंच हुआ है। मुझे लग रहा है दोस्तों ये क्रूज़ मांझा ले रहा है जो अब तक इतनी देर तक टिक गया, नहीं तो अगर कोई और मांझा होता तो नहीं टिक पाता। अभी यार ये सोचने वाली बात है कि ये वाला मांझा क्रूज़ जो ले रहा है बंदा, वो इसको काट पाएगा या नहीं, क्योंकि यार मुझे भी अब काफ़ी डर लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्योंकि काफ़ी दूर चले गए हैं पैंचे। 800 मीटर क्रॉस हो चुका है पैंच। अभी देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। भाई आपको अगर डोर दिख रही होगी, सीधी डोर आपको दिख रही होगी जा रही है धीरे, बिल्कुल हल्की हल्की आपको नज़र आ रही होगी ऊपर कैमरे के। ये जो आप टैंक देख रहे हो ना, यहाँ पे अपोनेंट की पतंग है, और मेरी पतंग बिल्कुल सीधी खड़ी है। ये देखिए रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, और अपोनेंट की पतंग दोस्तों कटती हुई। भाई साहब कहाँ देखे मारा है भाई, 850 मीटर का पैंच था ये कम से कम, माई कसम भाई मजा आया। तो दोस्तों ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी, ठीक है, और ये ब्लू सर्कल वाली पतंग है जो अपोनेंट की है। तो अभी देखते हैं दोस्तों इसके साथ में पैंच लड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। अब तक आपने देखा कि मैंने ऊपर के नीचे के पैंच आपको काट के दिखाए हैं, आपको समझना है, आपको सीखना है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैं नीचे की तरफ जाता अपोनेंट के, और ये अपोनेंट जो है दोस्तों मुझे थोड़ी सी भी जगह नहीं दे रहा है, लेकिन मैं घुस गया जगह बना करके, और जैसे ही नीचे की तरफ घुसा हूँ मैं यहाँ पे खींच भी मार सकता था, लेकिन मैं मुझे ये पैंच जो बनाना है ढील का बनाना है, और बिल्कुल मेरी पतंग जो है उसके नीचे आ गई है और अपोनेंट ऊपर से ढील चला रहा है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी पतंग नहीं घुमाई है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इस मांझे की स्ट्रेंथ चेक करनी है कि ये मांझा झेल पाता है इस वाले मांझे की डोर को या नहीं। मैं यहाँ पे थपकियों का यूज़ कर रहा हूँ, आपको अगर दिख रहा होगा तो। भाई मेरी पतंग बिल्कुल सीधी खड़ी खड़ी जा रही है, और इस मांझे की पावर को समझिए कि जो पतंग सीधी सीधी जा रही हो वो भाई ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, लेकिन इस वाले मांझे की क्वालिटी ये देखिए दोस्तों सामने की तरफ, टिक तो गई लेकिन काट भी दिया भाई। तो भाई ये है डरपेंजर कंपनी का पैराडाइज जो कि 0.28 mm में आता है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त यार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों देख लिया आपने पैराडाइज 0.28 mm के पैंचे, ठीक है ना। तो भाई जबरदस्त थ्रेड है, और जो भाई ये सोचते हैं कि ये प्लास्टिक है या वो है, तो भाई मैं आपको पहले बता दिया, मैंने एक्सपेरिमेंट पहले कर लिए थे कि ये प्लास्टिक है नहीं है, ठीक है ना, जला के भी आपके सामने प्रूफ दिखा दिए थे, तो इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो भाई मुझे तो काफ़ी मज़ा आया मैं इसके साथ में पैंचे करने में। इसकी सबसे बड़ी दोस्तों स्ट्रेंथ बताऊँ क्या है, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये कॉटन हो या फिर प्लास्टिक के मांझे हो, है ना, उनको तो रख के काटता है, बढ़िया तरीके से काटता है। अगर प्लेयर कॉटन वाला भी होगा ना
दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि कॉटन वाला इस वाले मांझे को काट नहीं सकता, अगर प्लेयर है तो भाई जरूर काट देगा, लेकिन अगर हम बात ही करें एक तरफ से पैराडाइज का उड़ा रहा है कोई प्लेयर और एक तरफ से कॉटन का उड़ा रहा है कोई प्लेयर, तो कौन जीतेगा? तो मेरी तरफ से तो भाई दोनों ही विजेता है अगर दोनों ही प्लेयर है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो भाई पैराडाइज ही जीतेगा। तो भाई आपने भी इंजॉय किया होगा, अगर आपने इंजॉय किया तो मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लगा आपको पैचे, कैसे नहीं लगे, ठीक है ना। जबरदस्त रिजल्ट। तो दोस्तों मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत, ध्यान रखिए अपना।